है बापूजी, ये हमारे बापूजी का सर्वश्रेष्ठ दान है और सहयोग है, आप लोगों का भी सहयोग है जो आप सुन रहे हैं। हम अकेले क्या करते हैं, सुनेगा गीत को सुनेगा, सुनिए फिल्म दुनिया वाले गा रहे हैं क्या? बिचौली एक से एक मत मुद्रा है, बहुत बहुत धन्यवाद है। भैया हमारे देवू चौहान जी, हमारे वीएसई रिंकू चौहान जी के सुपुत्र हैं आप, ठाकुर साहब की तरफ से 51 मत मुद्रा है, धन्यवाद। सुनिएगा गीत, सुनिए जिंद ले गया जाते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, शरीर यही रह जाता है, आत्मा चली जाती है। हाँ। जी, निवेदन करियो, गीत को सुनिएगा। सुनिए। पांच तत्व में विलीन हो जाते हैं, लेकिन कुछ अचंभित बात मिल रही है, और क्या है, हमारे भारत के कवि हैं, और ऐसे वैसे कवि नहीं है भैया जी, कवि हुए और हमारे महाप्रभु चेतन महाप्रभु जी जगन्नाथ जी की यात्रा में जा रहे थे, लेकिन अचानक हुआ क्या, संकीर्तन करते करते जगन्नाथ की यात्रा में नृत्य करते हुए चले जा रहे हैं, लेकिन चलते चलते लोगों ने देखा क्या, क्या जगन्नाथ की उस यात्रा घटना घटी वो याद मुझे, हम तो बिट्टा, 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 हम तो ब
घटना कौन सी सुनिए। महाप्रभु का पता चलाना चला बताइए बाद मुझे। बाद में पता चलता है महाप्रभु जी नाचते नाचते चले जा रहे लेकिन अचानक पता नहीं चला कि कहाँ चले गए और बाद में पता चला क्या क्या प्रस्थान गए कर जहां से सब करते गुणगान रह गए। सबकी आत्मा जाती है लेकिन भैया जी तन चला गया वो अपना शरीर लेके गए। सुनिएगा चला गया तन का पता ना कदमों के निशान रह गए। तन चला गया तन का पता ना कदमों के निशान रह गए। चला गया। दूसरे कवि हुए और वो कवि कौन है सुनेगा अपनाएंगे लेकिन जैसे ही चादर हटाई तो कि हिंदू मुस्लिम लड़े आपस में लगाते अनुमान रह गए। तन चला गया जैसे चादर हटाई तो वहां कबीर दास जी की देह नहीं है। तन चला गया तन का पता ना फूल श्रीमान रह गए। तन चला गया तन का पता ना फूल श्रीमान रह गए। तन चला गया। तीसरी भैया जी एक ऐसी और घटना मिली मारी एक कवि हुई भक्ति में या मीरा बाई जी क्या बात है। ठाकुर जी के आंगन में नाचती हुई जा रही है आखिरी कपड़ा सुनिएगा हुआ क्या क्या हुआ बच्चे। और ठाकुर जी के आंगन में नाच रही है नाचते नाचते लोगों ने देखा क्या क्या मीरा बाई प्रेम दीवानी प्रीत ये पाई क्या क्या देखा बेटा भैया हमारे मंकुश भैया जी और डीके पांडे जी बिचौली निवासी 51 पद मुद्राएं मेरी ओर से ढेर सारा धन्यवाद है। सुनेगा सुनिए लोगों ने देखा कि मीरा भाई आंगन में नृत्य कर रही ठाकुर जी के और आगे जाते जाते मीरा जी मंदिर में प्रवेश कर गई। अचानक से ठाकुर जी के पट बंद हो गए और जैसे पट खुले तो हुआ क्या क्या हुआ सम्मान गई पाजहां में सब परते गुणगान रह गए। लेकिन लोगों ने देखा क्या तन चला गया ठाकुर जी के पट खोले तो वहां मीरा बाई नहीं है ठाकुर जी से लिपटे हुए
मीरा जाई बाई के वस्त्र मिल गए। सुनिएगा, सुनिए। तन चला गया तन का बताना, सिर्फ परिधान रह गए। तन चला चला गया तन का बताना, सिर्फ परिधान रह गए। तन चला गया ओ आ, हेलो 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 भैया, अपने अपने नाखून बचा के रखना आप लोग। नाखून उखाड़ने वाले बैठे हैं यहाँ बगल में। गीत पड़ा गया कौन सा? कि मेहमान चला गया घर से। अच्छा गीत आपने पढ़ा है, बहुत बहुत धन्यवाद है। देखिए क्या पढ़ा आपने। तन चला गया तन का पता ना, तन चला गया तन का पता ना, बस कदमों का निशान का निशान नहीं मिला, कदमों के निशान रह गए, भगवान में लीन हो गए। दूसरी मीरा बाई और तीसरे कबीर दास जी, तीन बातें आपने लगाई जो कि शरीर इनका दिखाई नहीं दिया, चला गया, सिर्फ निशान उनके रह गए। बड़ी अच्छी बात आपने। लेकिन सुनिएगा जवाब, सुनिएगा, प्रयास कर रहा हूँ। ऐसे बहुत सारे लोग हैं लेकिन समय का बंधन है, मैं दो लोगों को आपको समक्ष ले आया हूँ, उसका सुनिएगा जवाब। क्या बात है, बहुत अच्छे। गुरु नानक जी मंदिर के सामने पैर किए हुए लेटे थे। पुजारी आया, बोले तुमको शर्म नहीं आ रही है, भगवान की तरफ पैर किए हुए लेटे हो? गुरु नानक ने कहा जिधर भगवान ना हो उधर मेरे पैर।
जिधर भगवान ना हो उधर मेरे पैर कर दे। तो उस पुजारी ने गुरु नानक के पैरों को जैसे ही घुमाया तो वो मंदिर चारों तरफ घूमने लगा। वाह, मंदिर वो चारों तरफ घूमने लगा। अगर पैर उनका उधर गया तो मंदिर उधर घूम गया। बोले जिधर मेरे पैर ना हो उधर कर दे तू। तो सुनिएगा जवाब, सुनिए आप लोग, ऐसे ही एक एक बात आपके समझ में आएगी। चिल्लाते नहीं हम लोग। मेरे पैर तुम्हारे नाम मेरे पैर उधर कर दो जहां तुम्हारे राम ना हो। तू आ गया भक्ति वहां है, भक्ति बड़ा है भगवान से ये, और बात कही बदनाम भक्त बड़ा है भगवान से ये बात बदनाम ना हो। भगवान ने सोचा तो वो चारों तरफ घूमने लगे। जिधर पैर जाते हैं भगवान उधर, भगवान का मंदिर उधर घूमने लगा कि मेरे भक्त की जो है हानि ना हो, मेरे भक्त बड़ा रहे हमेशा मुझसे। बहुत बढ़िया। तो जब जग से गए गुरु नानक, जब जग से गुरु नानक सब अनजान रह गए, सभी अनजान रह गए। तन चला गया, तन चला गया, ओ तन चला गया, तन चला गया, का पता ना कुछ सुमन श्रीमान रह गए। तन चला गया, ओ तन चला गया, ओ तन चला गया, ओ तन चला गया। देखे दूसरा जवाब सुनिएगा, सुनिएगा। एक भक्त और है, कौन से भक्त हैं वो सुनिएगा। साईं को रटते रात दिना वो, पर साईं तो खुद साईं हुए। साईं तो साईं हो गए, साईं बाबा को सभी जानते हैं। बिल्कुल सही बात, सुनिएगा। और अपने अनुयायी के खातिर वो हर दम सुखदाई हुए, वो हर दम सुखदाई हुए। तो जब महाप्रयाण हुआ तो करते सब ध्यान रह गए। जब साईं ने प्राण छोड़े सब करते ध्यान रह गए, लेकिन किसी ने नहीं पत, किसी को उनकी माटी नहीं मिली, किसी को उनका शरीर नहीं मिला, इसलिए लिखना पड़ा तन चला गया, तन चला गया, तन का पता ना, तन चला गया, तन का पता ना, कुछ फूल श्री बात रह गए। ओ तन चला गया, तन का पता ना, कुछ फूल श्री बात रह गए। तन चला गया, तन चला गया, तन का पता ना, तन चला गया, तन का पता ना, कुछ
चला गया रे। एक और है कहो तो बता दूं, शायद आपको काम आ जाएगा। कोई बात नहीं, अब ना बताओ, वो लोग मना कर रहे हैं, कह रहे हम मान गए। अच्छा अच्छा, और क्या, चलो कोई बात नहीं। हेलो हेलो, हाँ, जो जनता जनार्दन यहाँ पर हमारी बैठी हुई है, कृपया आप सभी लोग जवाब सुनते जाएं। और सुबह 5 बजे इसका निर्णय होगा, कौन विजय हुआ है और कौन पराजय हुआ है। आप लोग अपना जवाब सुनते जाएं और क्वेश्चन भी सुनते जाएं, बिल्कुल सही प्रकार से हमारे बाकी जी ने क्या बेहतरीन जवाब दिया है। धन्यवाद, आप पुरस्कार भी दे दिया, बिल्कुल सही बात है। हमारे दीपू चौहान की तरफ से प्रदत्त हुआ है, बहुत बहुत धन्यवाद है। और उनका कहना है कि कुछ ऐसा गीत सुनाया जाए जो लोगों को आनंद आ जाए। बिल्कुल सही बात, प्रयास कर रहा हूँ मैं अपनी तरफ से। मैं वैसे भी ज्यादा कठिन नहीं गाता हूँ, बड़ी सरल तर्ज मैंने पहले राउंड में भी गाई थी, और उसका जितना प्रयास आपने किया, ये सभी आप लोग यूट्यूब के माध्यम से सुनेंगे, और जितना प्रयास मैं इनके गाने में कर पाया हूँ उसको भी यूट्यूब के माध्यम से आप सुनेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।